महाशिवरात्रि को लेकर पूरे शहर के शिवालयों में जोर शोर से तैयारी की जा रही है। वहीं नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामनानाथ मंदिर में भी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना रहा है। यह करीब 1500 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ लगी रहती है। इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त अपने मन की कामना लेकर आते हैं उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। मंदिर की साफ सफाई रंग रोगन का कार्य पूरा किया जा रहा है। महाशिवरात्रि को लेकर मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं इस संबंध में बाबा मनस्कामनानाथ मंदिर के प्रधान पुजारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि यह एक सिद्ध क्षेत्र है। बाबा मनस्कामनानाथ की मंदिर न्यास समिति द्वारा ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत ही भव्य रूप से हर साल यहाँ तैयारी की जाती है और यहाँ हर साल इस मंदिर की रंगाई घसाई की जाती है और बहुत बृहद रूप से बाबा का बरात निकलता है। बहुत सारे फोर्स यहाँ आते हैं जिसकी सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है और यहाँ पे जो है दिन भर में लाखों भक्त आते हैं और श्रद्धा और भक्ति से इनकी पूजा करते हैं और मन चाहा बाबा प्रसन्न होकर उन्हें मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह है कि कल सुबह पट जो है 3 बजे खुल जाएगी और सारे भक्त आकर पूजा करेंगे और दिन भर पूजा अर्चना के बाद शाम में 4 बजे बाबा की बारात निकलेगी और वो बारात पूरे नगर को भ्रमण करते हुए शाम में रात में 9 बजे तक यहाँ रुकेगी। उसके पीछे यहाँ बाबा का रुद्राभिषेक होती है और बाबा का विवाह का एक एक विधान के साथ बाबा की यहाँ शादी कराई जाती है माँ पार्वती के साथ। वहीं दिलीप बाबा ने बताया कि यह एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह पूरी विधि विधान के साथ भव्य रूप में किया जाता है जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाबा मनस्कामनानाथ मंदिर जो है 606 ईस्वी में पाल वंश के राजा जो हैं इनकी पहला जीवनोद्धार बाबा का किया गया था। 606 ईस्वी में पहला जीवनोद्धार हुआ है। वो प्राचीन मंदिर है और महाशिवरात्रि में बाबा का रुद्राभिषेक हम लोग 7 पंडित से अभिषेक होगी। शाम में प्रात निकलने के बाद बाबा का मंडप का निर्माण होगा जिसमें मंडप घिड़ाड़ी जितने भी शादी का प्रक्रिया होती है सारा जो है विधान पूर्वक से बाबा की शादी दिया। वहीं साहिबगंज स्थित बाबा भूतनाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। वहीं इस मंदिर का रंग रोगन किया जा रहा है। मुख्य मंदिर के साथ साथ पूरे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस संबंध में मंदिर की देखरेख करने वाले राहुल पचेरी वाला ने बताया कि यह 697 साल पुराना मंदिर है। यह एक सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ शिवरात्रि के दिन हजारों श्रद्धालु पूजा करने आते हैं जिसकी तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं। 697 साल पुराना मंदिर है और ये एक जागृत स्थान है। यहाँ साक्षात महादेव खुद विराजमान है और सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है और लोग दूर दूर से आते हैं। कई भक्तों को स्वप्न में बाबा दिखाई देते हैं और उनको मंदिर आना पड़ता है और जो भी आते हैं सारे भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि के ऊपर 125,000 रुद्राक्ष से अब श्रृंगार होगा, बाबा का पुष्प द्वारा श्रृंगार किया जाएगा और कानपुर और इलाहाबाद के कलाकार के द्वारा नित नाटिका झांकी और जागरण का प्रोग्राम, चारों पहर में बाबा का शादी होगा और साहेबगंज मोहल्ले से गांव से लोग बारात लेकर आते हैं। बाबा का बारात का भव्य आयोजन किया जाएगा। तैयारियाँ का सारे हम लोग करीब 40 दिन से मंदिर में जनोद्धार का भी काम किया जा रहा है। रंग रोगन टूट फूट पत्थर उत्थर सारा चेंज हो रहा है और इसके बाद भी जनोद्धार का काम चालू रहेगा। कई सारी इसके अंदर सुविधा और दी जाएगी। वहीं बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा रही है। साथ ही साथ आदमपुर स्थित शिव शक्ति मंदिर में भी महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां की जा रही है। मंदिर को बंगाल के कलाकारों द्वारा फूलों से भव्य रूप में सजाया जा रहा है। व्यवस्था ये है कि सभी को लाइनबद्ध पूजा कराया जाएगा। सुबह प्रातः 4 बजे से मंदिर का पट खुल जाएगा, सरकारी पूजा के बाद पूजा चालू हो जाएगा
पुलिस का भी व्यवस्था है, ट्रैफिक का व्यवस्था कर दिया है, सीसी कैमरा लगा हुआ है और हमारे कार्यकर्ता जो मेंबर वो लगे रहेंगे। साथ ही साथ महाशिवरात्रि को लेकर शहर में कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सुंदरवती महिला महाविद्यालय में मातृभाषा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एसएम कॉलेज की प्राचार्य अर्चना ठाकुर ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंचासीन अतिथियों को पौधा और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इन्होंने अवकाश प्राप्त किया है पीजी से। इस अवसर पर कॉलेज के प्राचार्य अर्चना ठाकुर ने कहा कि हमारा मकसद अपनी छात्राओं को अपनी मातृभाषा की महत्ता से अवगत कराना है। बराबर आप देख रहे हैं कि ना कोई कार्यक्रम होता ही रहता है, लेकिन आज का ये कार्यक्रम कुछ विशेष है क्योंकि पहली बार यहाँ सरकार के द्वारा ये आदेश आया है कि मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाए। क्योंकि कल महाशिवरात्रि की छुट्टी है, इसलिए हम लोग 21 के बदले में इसको ही इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतवर्ष के विभिन्न जगहों पर जहाँ छुट्टियाँ नहीं हैं वहाँ 21 फरवरी को मनाया जाएगा। इसका मुख्य मकसद है कि हमारा देश विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है, तो हमारे देश में जितनी भाषाएँ मातृभाषा हैं इसमें मातृभाषा में बहुत सारे आते हैं। मैंने अपने यहाँ उर्दू, बांग्ला, हिंदी, अंगिका, मैथिली, इन सारे विद्वानों को बुलाया है जिसमें हमारी पुरानी शिक्षिकाएँ भी हैं। और इसका मुख्य मकसद है कि हमें अपनी छात्राओं को विभिन्न भाषा मातृभाषा से अवगत कराया जाए। इस अवसर पर डॉक्टर आस्था आसे, डॉक्टर विद्या कुमारी, गायत्री देवी, पूनम पांडे, डॉक्टर ईरा घोषाल, डॉक्टर विद्या रानी के साथ साथ महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्राएं भी मौजूद थीं। आज नगर निगम में वार्ड पार्षदों द्वारा वार्डों का विकास कार्य ठप होने के कारण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागलपुर की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गांव की बाहरी सरकार होश में आओ, होश में आओ। इस संबंध में पूर्व उप महापौर प्रीति शेखर ने कहा कि सभी वार्ड पार्षद के साथ साथ नगर निगम की जनता इनकी कार्यशैली से क्षुब्ध है। उन्होंने कहा कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी का तोहफा मिला, लेकिन इस स्मार्ट सिटी को लेकर कोई काम नहीं हो रहा। कई वर्षों में नगर निगम की पार्षद, नगर निगम के पार्षदों के साथ साथ भागलपुर की जनता यहाँ नगर निगम के कार्यशैली से बहुत क्षुब्ध है। हम भी लगातार तीसरी बार जीत कर आए हैं। पिछले कार्यकाल में यहाँ पर स्मार्ट सिटी का तोहफा शहर को मिला, लेकिन आज स्मार्ट सिटी पर कितना काम आगे बढ़ गया है। हम स्मार्ट सिटी के काम की बात तो दूर, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2.5 वर्ष में उपलब्धि के नाम पर सिर्फ एक प्याऊ बन पाया है इस कार्यकाल में। हम सब लोगों की यही दुविधा है, हम सब लोग इसीलिए परेशान हैं कि अब तक कोई भी कार्य धरातल पर उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कितनी लाइटें काम कर रही है, कितने जगह पोल खाली हैं, अभी जो है लोगों को पेंशन के लिए अभी भी लोगों को भटकना पड़ रहा है, कई लोगों के खाते में पैसे अभी तक नहीं आए हैं। आ गया अभी तक हर वार्ड में जो डीप बोरिंग हुआ है वो भी चालू नहीं हो पाया है, जहाँ पे प्याऊ लगे हैं वहाँ पे विद्युत कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो इसको उपलब्धि मानते हैं क्या? साहिबगंज झारखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जनता दरबार में उपायुक्त वरुण रंजन, बोरियो विधानसभा क्षेत्र के विधायक लोबिन हेम्ब्रेम के साथ साथ तमाम आला अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी।
तथा आमजनों ने सरकारी स्कूल में समस्या से संबंधित आवेदन जमा करने के साथ ही साथ उपायुक्त वरुण रंजन तथा माननीय विधायक लोबिन हेमरेम से अपनी समस्या के निदान हेतु गुहार लगाई। जनता दरबार में उपायुक्त वरुण रंजन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ मामलों का स्थल पर ही निपटारा किया तथा कुछ मामलों में जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सुदूर क्षेत्रों से आने वाले लोगों को जिला मुख्यालय न आना पड़े एवं उसकी समस्याओं का समाधान पंचायत स्तर पर ही हो सके। उन समस्याओं को हम लोग सॉल्व करें यहाँ पर कैंप लगा करके, ताकि आप लोगों को जिला मुख्यालय या प्रखंड मुख्यालय नहीं आना पड़े और आपकी जो बेसिक समस्याएं हैं, चाहे वो पेंशन से रिलेटेड हो, राशन से रिलेटेड हो, चाहे सड़क से रिलेटेड हो, बिजली से, पानी से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, उन सभी तरह की समस्याओं का निवारण हम लोग यहीं पर कर सकें, जिससे कि हमारे भाइयों एवं बहनों को कहीं आना नहीं पड़े।